फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजीली बनने वाले चीज कॉर्न बॉल्स। यह मैंने दो स्वीट कॉर्न लिए हैं जिन्हें मैंने मिक्सर ग्राइंडर में जस्ट ऑन ऑफ करके इस तरह से क्रश कर लिया है और यह दो कटोरी जितना हो गया है। अब इसे हम घी में सेकेंगे। यह मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं 2 स्पून घी डाल रही हूं। अब इसमें मैं यह कॉर्न भी डाल दूंगी और इन्हें 2-3 मिनट तक हम घी में सेक लेंगे। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदा फ्लोर डालूंगी और यह 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर डालूंगी और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। जरा 1 मिनट तक हम इसे मिक्स कर लेते हैं, सेक लेते हैं। यह मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालती हूँ। यह मैंने 1 कप लिया है पर हम डालेंगे थोड़ा ही, चेक करते हुए डालेंगे कि भाई इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी से हो जाए। यह मैंने 1/2 कप जितना डाल दिया है और इसे मिक्स कर लेते हैं। यह मेरा दूध इसमें डाला हुआ पूरा तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं यह 4 क्यूब्स के अंदाज का मैंने ये चीज लिया है, ग्रेटेड चीज, इसे मैं डाल रही हूं और इसे भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यह देखिए चीज भी पूरी तरह से मिक्स हो गया है और ये डो जैसा बन गया है। अब इसके अंदर हम 1/2 स्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। इसमें बहुत स्पाइसेस नहीं जाते हैं, यह थोड़ा स्वीट ही रहता है। और यह ग्रीन चिलीज की 2 स्पून डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। यह पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसमें मैं 1 टीस्पून जितना लेमन जूस डाला है उसे मैं मिक्स करके इसके छोटे छोटे गोले बना लूंगी, वो आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम इसे बांधते हुए इसके इस ये साइज के गोले बना लेंगे। थोड़ा टाइट दबाकर बनाना है और इस तरह बना बनाकर हम थाली में रख लेंगे। अगर हाथ के चिपके तो हम थोड़ा सा इसे घी से हाथ को हमारे ग्रीस भी कर सकते हैं और फिर गोले बना सकते हैं। मैंने चीज कॉर्न के बॉल्स बना लिए हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यह तेल मैंने पैन में लिया है जो अच्छी तरह से गर्म हो गया है, धुआं भी ऊपर आने लग गया है। अब इसमें हम 1 बॉल डालेंगे और उसे ऊपर अपने आप आने देते हैं। और ये इस तरह से फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम अब बाकी के ये बॉल्स भी डालकर फ्राई कर लेंगे। और यह मैंने सभी को फ्राई कर लिया है और यह हमारे चीजी कॉर्न बॉल पूरी तरह से फ्राई होकर रेडी हो गए हैं।